दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। बरेली से हेरोइन की खेप लाकर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के मामले में क्राइम ब्रांच की नारकोटिक सेल ने दो भाइयों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान साजिद खान और वाजिद खान के रूप में की गई है। इनके पास से 1 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। दोनों आरोपी केमिकल से हेरोइन बनाने में माहिर है। ड्रग तस्करी पर अंकुश लगाने और ड्रग तस्करों को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल लगातार छापेमारी कर रही है। नारकोटिक्स सेल को इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि गाजीपुर में ड्रग माफियों के बीच कोई डील होने वाली है। सेल ने ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए गाजीपुर में मुखबिरों का जाल बिछा दिया। पुलिस टीम की कड़ी मेहनत रंग लाई। 13 जुलाई को नारकोटिक्स सेल में तैनात एसआई लेखराज को अपने खबरी से टिप मिली कि गाजीपुर के शमशान घाट के पास साजिद व वाजिद नामक दो हेरोइन तस्कर किसी अनजान व्यक्ति को हेरोइन की सप्लाई देने आ रहे हैं। ड्रग माफियों को पकड़ने के लिए मयंक बंसल एसीपी नारकोटिक्स सेल की देखरेख में और इंस्पेक्टर राकेश दुहान के नेतृत्व में एसआई लेखराज, हेड कांस्टेबल रवि मनन, कांस्टेबल सुनील और कांस्टेबल सनी की एक टीम बनाई गई। पुलिस टीम ने शमशान घाट गाजीपुर दिल्ली के पास जाल बिछाया। थोड़ी देर बाद प्लेटिना मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम तुरंत ही एक्शन में आई और दोनों मोटरसाइकिल सवार लोगों को घेर कर पकड़ लिया। पकड़े गए दोनों ड्रग तस्करों की पहचान बरेली निवासी 24 वर्षीय साजिद खान पुत्र निसार खान और बरेली निवासी 28 वर्षीय वाजिद खान पुत्र इसरार खान के रूप में हुई। इन्हें रंगे हाथों 1 किलो हेरोइन के साथ पकड़ लिया। पुलिस रिमांड के दौरान साजिद और वाजिद की निशानदेही पर गंगा नदी के किनारे जंगलों से हेरोइन बनाने में इस्तेमाल किए गए बर्तन व गैस सिलेंडर भी बरामद हुए हैं। ड्रग तस्करी के इस मामले से पुलिस टीम को ड्रग ट्रैफिकिंग की पूरी चैन को आइडेंटिफाई करने में मदद मिल सकती है। ड्रग तस्कर साजिद खान और वाजिद खान का बरेली और दिल्ली एनसीआर में काफी बड़ा नेटवर्क था। इनके गिरफ्तार होने से ड्रग तस्करी पर काफी हद तक अंकुश लगाने में दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स सेल कामयाब रही है। ड्रग तस्कर साजिद खान 24 साल का है और अनपढ़ है। यह कपड़ों पर जरी लगाने का काम करता था। वर्ष 2016 में पुलिस स्टेशन फर्दीपुर बरेली में दर्ज एक मुकदमे में ड्रग तस्कर साजिद खान अपने एक सहयोगी के साथ एनडीपीएस मामले में शामिल रहा है। वर्ष 2015 से यह क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव है। क्विक और भारी धन कमाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ड्रग तस्कर साजिद खान बरेली यूपी के बाहर कुछ और दवा सप्लायरों के संपर्क में आया। इसने अवैध ड्रग्स के व्यापार में एक पेडलर के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो हेरोइन के टॉप सप्लायरों में से एक बनने के लिए क्राइम की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। बरेली और दिल्ली में भारी मात्रा में हेरोइन बनाना और बेचना शुरू कर दिया। ड्रग तस्कर वाजिद खान 28 साल का है और यह भी अनपढ़ है। यह भी कपड़ों पर जरी लगाने का काम करता था। वर्ष 2016 में पुलिस स्टेशन फर्दीपुर बरेली में दर्ज एक मुकदमे में ड्रग तस्कर वाजिद खान भी अपने एक सहयोगी के साथ एनडीपीएस मामले में शामिल रहा है। यह भी वर्ष 2015 से यह क्रिमिनल एक्टिविटीज में एक्टिव है। यह भी क्विक और भारी धन कमाने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए ड्रग तस्कर वाजिद खान बरेली यूपी के बाहर कुछ और दवा सप्लायरों के संपर्क में आया। इसने अवैध ड्रग्स के व्यापार में एक पेडलर के रूप में अपनी शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वो हेरोइन के टॉप सप्लायरों में से एक बनने के लिए क्राइम की सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। बरेली और दिल्ली में भारी मात्रा में हेरोइन बनाना और बेचना शुरू कर दिया। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।